for me to appear in my court when they are not prepared and what are the weaknesses. So two or three important things which are necessary for which I will give you some guidance. एक तो सर ये है कि आपका यू आर वेरी लकी कि आपको आपके पेरेंट्स ने लॉ के प्रोफेशन में डाला है और 5 साल के लिए पढ़ाया और आपके ऊपर उन्होंने अपना पैसा भी लगाया, आपके उन्होंने बड़ी उम्मीदें भी लगाई। अब आपका आपकी बारी है वकील पर भी उनको ये चीज़ें वापस करने की, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है मेहनत, ईमानदारी, हार्डवर्क, ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन टू योर प्रोफेशन। इसमें कोई चीज ये प्रोफेशन पर टॉप इज ऑलवेज एंटी। अब ये आपकी चॉइस है कि आप वकील बन के एम एल बिड़ार सुखी बनते हैं या नोटरी पब्लिक बन के 5-5 रुपए की उम्र का, ये आपके चॉइस है। उसकी भी वो भी लॉयर है, सुखी साहब भी एल एल बी किए हुए, मैंने भी एल एल बी किए, और अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या कौन सा रास्ता अख्तियार करना। कोई भी चीज़ ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ मेहनत और ईमानदारी है, हार्ड वर्क है। ठीक है, मैं मानता हूँ उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं प्रोफेशन के वो ये है कि पहले दिन से आपकी इनकम नहीं है, ये नहीं कि कल आप जाएंगे तो आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। हो सकता है मेरा एक दोस्त है पिंडी में, कहते हैं 2-3 महीने में जाता रहा और तीसरे महीने कहते हैं मैंने कर ये की प्रोफेशन को, मैंने कहा मैं लानत भेज दूँ, मैं वकालत क्यों की और निकलने लगा तो गेट से मुझे क्लाइंट मिल गया, कहते हैं इतनी अच्छी फीस मिल गई कि 4-5 महीने की मेरे काम हो गए। तो ये हार्डशिप आपको फेस करने होंगे, लेकिन अगर जो जिस तरीके से हमने अपना टाइम गुजारा ये जिस तरीके से आपको मैं टिप्स दूंगा अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि फलां जज बन गया, फलां बार का सदर बन गया, बड़ा आदमी था, कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ में सदाकत नहीं है, सदाकत सिर्फ आपकी मेहनत और ईमानदारी है। चाहे आप बड़े बड़े फैमिलीज के लोग, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के टॉपर्स मैंने देखे हैं, बिल्कुल 0 वकालत होती है उनकी, और आम लॉ कॉलेज से लोग मेरे बड़े टॉप के वकील बनते दिखे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, ऑनेस्टी से काम किए है और अपने प्रोफेशन को डेडिकेशन और टाइम दिए है। पंक्चुअलिटी इसमें है, आपका एक बेसिक इंग्रीडियंट कितने बजे आप जाते हैं, कितने बजे आप केस तैयार करते हैं, कोर्ट में अपीयरेंस कैसे होती है, कैसे आपकी तैयारी होती है। हमारे पास आप ऐसे जज ऑफ हाई कोर्ट के, अभी मैं आपके उधर टी रूम में बता रहा था कि कई लॉयर आते हैं उनके पास बुक ही नहीं होती। आज करू साहब भी मेरी कोर्ट में होते हैं, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल है, एक सीनियर लॉयर इस्लामाबाद बार के टॉप 10 लॉयर में थे, एंड ही वाज नॉट कैरिंग द बुक। तो जो यंग लॉयर आपकी तरह आते हैं तो उनको मैं प्यार से इंसल्ट नहीं करता, लेकिन कोशिश होती है कि उनको लर्निंग भी हो। मैं उन्हें बताता हूँ कि यार हम जब हाई कोर्ट में जाते थे तो रात को हमें नींद नहीं आती थी, डर के मारे, खौफ थी कि जज साहब क्या पूछ रहे, इंसल्ट ना हो जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे, पता है अब आप किसी से पूछे नहीं बताए व्हाट इज द डेट ऑफ अरेस्ट, कोई पता नहीं, व्हाट इज द वेयर इज द प्लेस ऑफ अरेस्ट, सिंस हाउ लॉन्ग इज बिहाइंड द बार, कोई पता नहीं। प्लीज रीड 489 एफपीपीसी, तुम किताब भी नहीं, आज भी मेल आपको रही, मैंने कहा प्लीज रीड 489 एफपीपीसी, व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ द डिसऑर्डरिंग ऑफ द चेक। तो मैंने कहा यार कुछ आप खुदा का खौफ करें, हाई कोर्ट का कम अज कम ये ख्याल तो करें, कम अज कम बुक तो लेकर। फिर जजमेंट्स हैं, आप हमें मेरे उस्ताद थे सरदार असलम साहब, तो वही बाजार को चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो मैं एक दफा उनकी कोर्ट में अपीयर हुआ तो सिर्फ नोटिस कर दिया उन्होंने, हम अभी कोई इतनी वो नहीं थी अभी हेयरिंग, सिर्फ नोटिस करना था। तो मुझे कहा तो मिस्टर चांदी जी हैव यू ब्रॉट जजमेंट ऑन द पॉइंट, मैं कर रहा हूँ उनको उनके चेहरे पर ऐसे नागवारी का एहसास। तो वो दिनों जब मैं जज बनने से पहले जब मैं वकालत तक लाभ, अगर मैंने एडजमेंट के लिए भी रिक्वेस्ट करनी है कि जी फलां वकील साहब नहीं है सर, उसके भी मैं जजमेंट लेके जाता हूँ, चाहे आपको चाहे जरूरत पड़े या ना पड़े, क्योंकि आपने जब केस आर्गू करते हैं तो आपने कई लोगों को अपना शो करनी है परफॉर्मेंस, कोर्ट को भी करनी है, जैसे मैं जज हूँ। अब लॉयर की परफॉर्मेंस से इतना फर्क पड़ता है, कमजोर केस भी हो तो लॉयर की अच्छी परफॉर्मेंस हो, हार्ड वर्क हो, अच्छा वेल प्रिपेयर्ड ब्रीफ हो, अच्छी जजमेंट्स हो। कई लॉयर से आप यकीन करें जजमेंट देते हैं, जब हम चैम्बर में जाके पढ़ते हैं तो उसकी स्टेपल ही उल्टा सीधा हुआ होता है।
देखें वो 8-10 जूनियर पीछे खड़े किए होते, कई तो पेश ही नहीं करते, जो करते हैं उनके स्टेपल भी पूछे, कईयों की जजमेंट प्रॉपर जजमेंट एक बुकलेट के ऊपर फ्लैग लगे हुए ए बी सी साथ इंडेक्स बनाओ, वैसे ही आदमी की तबीयत खुश हो जाती है यार, कितना अच्छा कैसे केस प्रिपेयर किया, लॉ पॉइंट्स फैक्ट्स हर चीज, तो ये केस की प्रिपरेशन का तरीका है। और उसमें आपने अपने कोर्ट को भी इम्प्रेस करना है, अपने क्लाइंट को भी इम्प्रेस करना है। मैं एज मैंने मोर देन 30 ईयर्स मेरी प्रैक्टिस थी, कई दफ़ा हुआ है कि हम केस हार गए, अच्छी तरीके से केस आर्गू किया तो क्लाइंट ने कहा कि जहांगीरी साहब मैंने सही की थी, बस अल्लाह की मर्जी नहीं थी, तो केस अगर बोले नहीं वकील और मेहनत ना करे और केस जीत जाए तो क्लाइंट कहते दो बार ही दुआ कानून को पढ़ के भूखी थी जज से दे दी वकील साहब बोले कुछ, तो वो हार के भी वो आपसे इम्प्रेस होता है और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जीत के भी आपसे इम्प्रेस नहीं होगा, क्योंकि हारने के बाद अपेलेट कोर्ट में भी आ जाते थे हमारे पास, और दूसरी कोर्ट में जो आपका अपोनेंट क्लाइंट है आपने उसको भी इम्प्रेस करना है, आपकी कोर्ट में जो 20-25 ऑडियंस बैठे हुए उनको भी इम्प्रेस करना है। और कई दफा हुआ है कि हमने जब मैं आर्गुमेंट करके निकलता था तो लोग कहते थे सर वकील साहब अपना रिकॉर्ड दे दो, और फिर वो अपने केस में आते थे। कई दफा हुआ कि अपोनेंट क्लाइंट कुछ ये सालों के बाद उसका कोई केस हुआ तो उसने मेरे पास आया, उसके सर जी तो सर सानू इतना टफ टाइम देता थी ना, बड़ा तंग किया था तो हमने, अब हमारे पास मेरा केस दूसरा कोई केस आया तो मैंने आपको इंगेज, तो उसकी उसकी रीजन क्या है कि आपके जो केस प्रिपेयर करने के 4 इंग्रेडिएंट्स, फर्स्ट इज द फैक्ट्स ऑफ द केस। अब हम जितने भी, एक और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, मेरे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मेरे एसोसिएट रहे हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, उसमें जजेस भी हैं, एडिशनल सेशन जजेस भी हैं, KPK में पंजाब में भी बहुत ज्यादा, और बाकी यूनिवर्सिटी से भी आए हैं और फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूनिवर्सिटी की हमारी एजुकेशन का ऐसा है सिस्टम कि जब कोर्ट में आप आते हैं तो आप जीरो से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आई एम सरप्राइज के गोल्ड मेडलिस्ट आए हैं मेरे पास लॉयर और बड़े बड़े अच्छी पोजिशन वाले, मैंने कहा जी FIR पढ़े, व्हाट इज बेलेबल नॉन बेलेबल, कहते हैं जी बेलेबल में बेल हो जाती है, नॉन बेलेबल में नहीं हो जाती यार, ये बेल ये कैसे पता चलेगा फ्रेंड बेलेबल है नॉन बेलेबल है, कहीं पता नहीं ये सेक्शन में तो नहीं रखा हुआ, कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है कैसे पता चलेगा, नहीं पता, फिर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के खिलाफ है नहीं पता, तो जीरो से आपने उनको आपने लर्न करना है। अब डिपेंड करता है कि आप किस चैम्बर में जा रहे हैं, उस चैम्बर की क्या प्रैक्टिस है, उसमें कितना प्रोफेशनलिज्म है और कितना नॉन प्रोफेशनलिज्म है। कई चैम्बर में आप अगर आपका सीनियर टाउटी कर रहा है तो जूनियर भी टाउटी सीख रहा है। मैं डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ, हाईकोर्ट बार का, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ, कई लॉयर की कंप्लेंट्स आती थी कि जी पुलिस थाने में जाके पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, क्लाइंट के ऑफिस जा रहे हैं, कोई क्लाइंट ने कंप्लेंट की जी मेरे घर आके, जी मेरे घर आके उन्होंने बदतमीजी की मुझसे फीस। मैंने जब लॉयर को बुलाया मैं कहते जी हम तो अपने सर के साथ यही करते थे, हमें सर कहता था फोन आता था चलो जी ब्लू एरिया फ्लॉप प्रॉपर्टी डीलर को मशवरा देना, चलो बेटा बैठो गाड़ी में प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते, मैं कहते यार हाईली अनएथिकल, आपको पता है कि क्लाइंट के पास वकील कभी नहीं जाता, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी है तो आपके ऑफिस में आएगा, कहते सर हमें तो नहीं पता, और पुलिस स्टेशन तो आपका बिल्कुल जाना ही बहुत बहुत क्राइम है, आपका क्या काम है, आप 22A फाइल करें, पिटीशन फाइल करें, रिट फाइल कर, कहते जी हमारा तो सर दो चक्कर थाने के लगाता था, हमें भी साथ देगा, तो उधर आपने सीखना है कि आपके एथिक्स क्या है और आपका ये फिर आप पे डिपेंड करता है, और प्लस ये है कि आपका कितना इंटरेस्ट एक चीज है। तो फैक्ट्स ऑफ द केस आपके पास, फॉर एग्जाम्पल सिविल केस आता है, क्रिमिनल केस आता है, क्रिमिनल में कुछ सर्टन एक्सटेंट सारे फैक्ट्स होते हैं FIR में, सिविल में कुछ हो जाएंगे आपके पास जो एग्रीमेंट आएगा, बाकी आपने क्लाइंट से पूछना है हाँ जी एज क्या है, विटनेसेस कौन है, उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है, डेथ क्या है, कॉज ऑफ डेथ क्या है, डक्टी कौन है, उसकी क्या एज है, उसकी एक एक चीज आपने उनसे पूछना। इसी तरह सिविल में केस थ्रू प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, टोटल सेल कंसिडरेशन क्या है, अर्नेस्ट मनी है, कितने दी, कैसे दी है, चेक से दी, कैश से दी, विटनेसेस कौन है, आप इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं नहीं कर सकते, स्टाम्प पेपर कहाँ से खरीद, एक एक चीज जब आप फैक्ट्स आपने प्रिपेयर करने हैं, जैसे स्टेप नंबर वन। दूसरा ये है कि आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर कंटेंशन, इन सपोर्ट ऑफ योर ब्रीफ। अब आप दो लॉयर हैं, दोनों के एक ने मुल्जिम को बेल करानी है, एक ने सजा देनी है,
एक ने फांसी में लगवाना है, एक ने बरी करवाना है। आपके तो डिफरेंट टास्क है। FIR एक है, बुक एक है, पाकिस्तान पीनल कोड 302 है। उस 302 में आपने क्विट कराना है और एक ने उसको कन्वर्ट करवाना है। तो उसके लिए आपने ब्रीफ प्रिपेयर करना है, और आपने जब ब्रीफ प्रिपेयर करने के बाद पॉइंट्स लिखने कि मैंने किन किन पॉइंट्स पे इसको एक्विट करवाना है, किन पॉइंट पे मैंने बेल करवानी है, नॉट टर्मिनेटेड इन द FIR है, डेड लाइट अक्रेस है, डाउट्स हैव बीन क्रिएटेड, इंटरेस्टेड विटनेसेस, जो भी आपके हाथ में, आपने दूसरी तरफ से कहना है, वो अगर आपने कंप्लेनेंट फाइल किए, आपने कहना है हार्डन क्रिमिनल प्रॉपर्टी क्लॉज ऑफ 497 CRPC, क्रिमिनल हिस्ट्री है, नॉमिनेटेड इन द FIR है, इसकी सारी ये चीजें थी मेंशन्ड FIR में, ये मोटिव है, ये एनिमिटी। तो आपने दोनों अपने अपने ब्रीफ आपने प्रिपेयर करने हैं इन सपोर्ट ऑफ यूर ब्रीफ, इन सपोर्ट ऑफ यूर कंटेंट। उस ब्रीफ के बाद आपने हर पॉइंट पे जजमेंट निकालना। अब ये तो आपके ये तो काम आदमी को भी पता है, अगर 10 तारीख है और FIR हो गई है, 25 को 15 डेज का डिले है, डिले इन FIR तो हर बंदे को पता है, लेकिन कौन सी बुक में लिखा हुआ है कि डिले इन FIR पे बेल होगी, ये जजमेंट है, ये केस लॉ। तो आपने आप फॉर एग्जाम्पल डिले इन FIR कर देते हैं, आप नॉन डिपॉजिट ऑफ द अर्नेस्ट मनी देखते हैं, नॉन पेमेंट ऑफ द बैलेंस सेल कंसिडरेशन देखते हैं, या फैमिली मैटर है, चाइल्ड कस्टडी का आप कहते हैं, माइनर चाइल्ड है, बाप ने दूसरी शादी कर ली, माँ ने दूसरी शादी कर ली, कोई भी जो भी आपका ग्राउंड है, आपने उसके लिए जजमेंट से कर ली, और फिर आपने आर्गूमेंट करने हैं कोर्ट में। उसके लिए आपने टाइम पे जाना है, यूनिफॉर्म में जाना है, ये नहीं कि जैसे हमारे कई दफ़ा होता है जी केस कार्ड हुआ, क्लाइंट आ गया, और ये 0 पॉइंट पहुंच गए वकील साहब, उधर ही आपका सारा डिमोलिश हो जाता है, बंदा कहते हैं यार क्यों टाइम, आपने टाइम पे 9 बजे 8 बजे कोर्ट का टाइम है, 10 मिनट पहले आप जितने बजे मर्जी ना, जब केस कॉल होता है आपका यूनिफॉर्म होता है, अगर आपकी दाढ़ी नहीं रखी हुई, शेव की हुई है, तो ये नहीं कि शेव पड़ी हुई है, शेवी किस्म का बटन खुले हुए हैं, टाई नीचे लटक रही है, कमीज के ऊपर मिट्टी के और उसके निशान है नहीं, वेल ड्रेस, प्रॉपर यूनिफॉर्म, होल्डिंग अ प्रॉपर ब्रीफ। अब बेल एप्लीकेशन है, हमारे कई वकील मुंशियों से यार बेल एप्लीकेशन टाइप कर दी, लिख दी, मुंशी 2 लफ्ज उर्दू में लिखता था, शायद सजा अदम सजा याफ्ता है, शायद बेगुनाह है, पुलिस को शायद के जुर्म की जरूरत ना है, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, ये भी बेल है, लेकिन आप कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, टाइप कराते हैं, आपने अपनी फाइल कवर प्रिंट कराए, जब जज के पास आपका जाते हैं फाइल कवर, ऊपर आपका लॉ फर्म का नाम लिखा हुआ है, कंप्यूटर में टाइप है, तो जज वैसे खुश हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीजें, और कई दफा हमारे पास ऐसे क्लाइंट हुए जिन्होंने कई दफा हमें फ्री केस भी किए, कई दफा ऐसे गरीब लोगों के भी केस किए जिनके पास पैसे नहीं हुए, लेकिन टाइपिंग के भी 200-300 रुपए की परवाह नहीं की, अपनी तरफ से लगाए, ताकि उससे आपके प्रोफेशन के फर्क पड़ता है। तो आपकी जब फाइल जाती है, जब उर्दू में एक मुंशी की टाइप हुई बेल, शायद उसको शायद वो बेल हो जाए और आपकी इंग्लिश वाले की ना हो, उसका मेरिट आपके केस पे फर्क नहीं है, लेकिन आपकी वो लॉन्ग लाइफ में आपको बेनिफिट देते कि आपकी तैयार करने का कि आप जजमेंट आपने निकाली, हो सकता है आपकी बहुत अच्छी भी जजमेंट है, तो आपका केस आपका आप हार जाए, लेकिन कोर्ट में क्लाइंट्स पे ऑडियंस पे आपका असर पड़ेगा। और कोई भी चीज जैसे बार में जब मैं आया, तो मेरा तालिब के पी के से है, तो जब मैं आया तो मैंने बोर्ड पढ़ा वो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज का, तो बड़े बड़े नाम रखे हुए इस्लामाबाद में, अभी आप जाएंगे तो आप देखेंगे पहले 2-3 नाम जी, राजा रहीम साहब है, खानदान बरादरी होती है वो ये इलेक्शन लड़ते, और आप छोड़े आप चाहे अपना काम करें चाहे शहर में, तो मैं चला गया। तो अल्लाह की मेहरबानी से फिर मैं पहला जनरल सेक्रेटरी भी बना इस्लामाबाद का, प्रेसिडेंट भी बना बाद का, इसके लिए कोई आपको खानदान बरादरी बड़ा बैकग्राउंड किसी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपने मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। और आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा डिटोरेशन होती जा रही है हमारे प्रोफेशन में, मैं आपके प्रोफेसर को ही बता रहा था, लॉ है लीगल प्रैक्टिशनर बार कोर्ट एक्ट में 10 साल से ज्यादा अगर कम आपकी प्रैक्टिस है तो आप जूनियर ही नहीं रख सकते, और एट ए टाइम 3 जूनियर रख सकते हैं। अब 2-2, 3-3 साल का लॉयर जो लाइसेंस अभी आया नहीं होता, तो 2-3 जूनियर उससे भी रखे होते हैं,
उन्हें कुछ पता नहीं है तुमको क्या सिखाएगा। तो इसलिए काफी अभी हाई कोर्ट का लेवल, अब हाई कोर्ट में देखें थर्ड लेवल है, पहले मजिस्ट्रेट से आप जाते हैं, केस हारते जीते बेल होती है, फिर आप सेशन में जाते हैं, फिर आप हाई कोर्ट में जाते हैं। हमारा बहुत ब्रॉड व्यू होता है जज ऑफ दी हाई कोर्ट, हमें पता होता है। उस दिन भी एक केस में रिकॉर्ड नहीं आया तो डेट हो गई, मैंने आई जी साहब बात को बुलाया, मैंने कहा यार आपको पता है कि हाई कोर्ट में पहुंचते पहुंचते बंदे के साथ होता क्या है, पहले थाने में उल्टा करके उसको लटकाते हैं, फिर उसकी घर वालों के पास जो दो चार पैसे होते हैं मजिस्ट्रेट के पास बेल फाइल करते हैं, वहां से डिसमिस होती है, फिर जो कुछ जमा पूंजी रह जाती है तो सेशन कोर्ट में जाते हैं, वहां से रह जाते हैं, फिर ये हाई कोर्ट में आते हैं पैसे भी लगा के, और पांच छह महीने तक इनका जो भाई या बेटा या वालद जो भी है वो जेल में होते हैं। और अगर हम आके ये इस बात पे जजमेंट दे दे कि आईओ नहीं आया, आईओ रिकॉर्ड नहीं लेकर आया, जो कि एक किलोमीटर दूर तो दो किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन थे, तो मैं क्या करा, हाईकोर्ट बंद कर। तो उस एसपी को एसएसपी को कहा, मैंने कहा फ्राइडे को मैंने केस टेकअप किया, 406 माइनर ऑफेंस था, उन्होंने कहा जी रिकॉर्ड नहीं आया, नॉन प्रायोरिटी क्रॉस थी, और लहरा हाई कोर्ट तक पढ़ते पढ़ते मैंने जैसे बताया टाइम लगते, मैंने मंडे को रख दिया, मंडे को मैंने आईजी को भी बुला लिया, एसएसपी को भी बुला लिया, एसपी को भी बुला लिया, तो अर्गू किया तो आगे जैसे केस कॉल हुआ उन्होंने सलूट शुरू, मैंने कहा साइड को तो केस अर्गू हुआ, माइनर सा फ्रेंड था जी, गाड़ी ले गया, अनिल थी वापस नहीं थी, इस तरह दोस्तों में कुछ छोटा सा इशू, मैंने कहा बेल ग्रांट, बेल ग्रांट हो गया। अब मैंने कहा दिस बेल शुड हैव बीन ग्रांटेड ऑन फ्राइडे, नाउ आई हैव ग्रांटेड दिस बेल ऑन मंडे, थ्री नाइट दिस पुअर चैप हैज स्पेंट बिहाइंड द बार, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ड्यू टू द नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड बाय द आईओ फ्रॉम अ पुलिस स्टेशन व्हिच इज अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम इस्लामाबाद हाई कोर्ट टू जीटर में जी, दिस पुअर चैप हैज स्पेंट 3 nights इन जेल, सो वन ऑफ यू शुड सेट वन ऑफ यू टू द जेल to spend 3 nights, either SP, SSP or the DS. वो सारे को सर एक का मैं तो नहीं डिसाइड करने जाएगा कौन जेल। मैं देखा वो जो जेल में था उसकी घर में भी कभी भी बच्चे बेटियां होंगी, इस केस में माइनर अफेंड में वो 3 दिन रहा है, इसलिए रहा है कि आप रिकॉर्डिंग है मेरिट में बेल डिस्मिस हो सकती, आपने तीनों में से कौन जाएगा, बस वो तो आपको पता है, फिर सीने आ गए। मैंने फिर भी उनको फाइन किया, मैंने कहा जब रिलीज होगा 50,000 ईच 1,00,000 रुपए आप उसको कास्ट देंगे 3 दिन जेल में रहने के सब पैसे देकर। तो क्वेश्चन ये है कि इस तरह की चीजें हम अगर देखते हैं हाईकोर्ट में हमारा इस लेवल का वे ऑफ थिंकिंग, और वहां पर अगर लॉयर आके प्रिपेयर ना हो, लॉयर आके डेट ले, लॉयर से हम कोई बात पूछे ना मैं बताया, अब कई दफर सारे जजेस आपको फाइल पहले पढ़ के जाते, माइंड भी बना देते हैं, लेकिन बात अगर वकील साहब ऐसा पॉइंट उठा देता है कि ड्यूरिंग द कोर्ट ऑफ आर्गुमेंट हम अपना माइंड चेंज कर देते, इसलिए कि जहरी बात है कई चीजें नहीं पता होती, कई लेटेस्ट जजमेंट, कई लॉ दे भी हर चीज लॉ में डिवेलपमेंट हो रही होती है, तो काफी टाइम हो गया। तो इसलिए आप लोगों ने एक कामयाब वकील बनना है मेहनत से, ईमानदारी से, और टॉप के आपने यूनिफॉर्म, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी टू योर प्रोफेशन, और शॉर्टकट में नहीं जाना, ये भी बहुत हमारे प्रोफेशन में है, पुलिस वाले आएंगे वो कहते हैं कि अच्छा जी 50,000 फीस गलत इतने मुझे दो, ये शॉर्टकट कोर्ट कोर्टों के रीडर टाउटी करते हैं, एनिमल टाउटी करते हैं, उन्होंने वकील रखे हुए, नोटिस जाता है वो कहते हैं वो जो नोटिस ले जाने वाले ने 6 वकील रखे होते हैं, वो कहता अच्छा जी नोटिस आ गया जी दावा ये को होते हैं फिलहाल वकील के पास, कभी शॉर्टकट नहीं, आपको पक्की तौर पे प्रॉब्लम होगा। और ये मेरा ईमान है कि जब आप हराम की कमाई को रिफ्यूज करते हैं 3 गुना हलाल की कमाई आपको मिल जाती है, जाहिर तरीके से प्रोसिक्यूटर रहा हूँ, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा हूँ, डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहा हूँ, स्पेशल डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रहा हूँ, मैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहा हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ आप वाकयात में बयान नहीं कर सकते ट्रिवियली कि कई दफ़ा मुझे लाखों की ऑफर हुई है और मैंने रिफ्यूज़ किया है, और दिल में शुरू में सोचा भी कि यार ले कि वो घर का किराया देना था दे देता या कुछ कर देता, चलो कोई भी ठहर है, तो एग्जैक्टली आप यकीन करें कि विद इन 1 month उससे 3 times मुझे लीगल इनकम आ गई। तो इसकी आपको इस तरह की भी टेम्पटेशन मिलेंगी,
और दूसरा ये है कि बाकी पॉलिटिक्स से आपने शुरू में कम से कम 5-6-7 साल आपने दूर रहना। अभी नया हमारी बार में लीगल पेटिशन बार को सर्विस दी ओनली इलेक्टेड बॉडी, जो इलेक्शन होते हैं बार के प्रेसिडेंट विजिट, दैट इज द लीगल बॉडी। अब इलाकाई तरजीबें बन गई, पटवारी लायर, पख्तून लायर, पंजाबी लायर, सिंधी लायर, उनके इलेक्शन शुरू हो गए, उनके ग्रुप में जुलूसों के जुलूस करने होते हैं कचहरे पे, टोटली इलीगल, लेकिन उन्होंने कोई मना नहीं करता। उसकी वजह यह कि सीनियर लॉयर को अपना इलेक्शन को होता है, वो उनको कहते हैं मना किया तो ये ग्रुप आपसे ना, ओल्ड टाउन सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं जी कल का खाना हमारी तरफ से, परसों की दूसरा ग्रुप कहेगा अच्छा उस राह ने खाना दिया है, वो कहेगा यार मेरी तरफ से ना, आपके इतने लोगों की 200 बंदों की चाय मेरी तरफ, और वो फिर उनके साथ दुश्मनी कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये भी मेरी आपसे एक ब्रदर रिक्वेस्ट है कि आप जब तक आप अपने उस पर न खड़े हो जाए वकालत में, आपकी इनकम स्टार्ट ना हो जाए, आप अपने बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, तब इन चीज़ों से आप दूर रहे। ठीक है वोट देना आपका राइट है, जाए जो आपको कैंडिडेट अच्छा लगे उसको वोट देते हैं, लेकिन इन चक्रों में कि जी ये फलाना तो फलाना, इसमें नहीं पड़ना, और मेहनत और ईमानदारी करें। और शेर शादी का कौल है कि कसब है कमाल है कुल के अजीज जहाँ से, कि अपने कसब में इतना कमाल पैदा करोगे पूरे जहाँ में अजीज हो जाओ। मैं अपने चैम्बर में मिसाल देता था अपने जूनियर को कि मियाँ जी आपको जानते हो कि लाला मूसा में मियाँ की दाल बड़ी मशहूर है, उस बंदे ने दाल में कमाल पैदा कर दी। जो भी कसब है, ये नहीं कि चाहे वकील अब नाई है, कोई मोची है, हलवाई है, बार्बर है, डेंटर, इतना कहते हैं शेरसादी कहते हैं कसब जो तुम्हारा प्रोफेशन है, इतना कमाल पैदा करो कि जहां में अजीज हो जाओ। तो इसलिए वही मैंने कहा कि ऑप्शन है कि या आप 8-10 साल बाद में देखूंगा कि आप 10-10 रुपये लेके मोरे लगा रहे होंगे, उस 10 रुपये में से भी जो मुंशी लेकर आते हैं उनके पास मोर लगवाने के लिए 5 रुपये उसके होते हैं और 5 रुपये पोस्ट के पिक्चर या नोटरी पब्लिक के होते हैं, या आप अमर बिलाल सूफी बनते हैं। तो ये अब आप पे, तो आपने मेहनत करनी है, ईमानदारी से काम करना है, और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा और कामयाब होगी।